हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है ना, हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग और हम लोग आए हुए हैं होम प्लस। तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कोरिया में कितनी महंगाई है और चीज़ें कैसे मिलती हैं, हम लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग कैसे करते हैं। होम प्लस जो है ना, बहुत बड़ी मार्ट है और काफ़ी फेमस है यहाँ कोरिया में। यहाँ पे अभी हम लोग फिर रहे हैं फ्रोज़न फूड के एरिया में। मौसम के हों ना मौसम के हों, हर चीज़ ही है यहाँ पे अवेलेबल। हम लोग जब मार्ट में एंटर हुए हैं ना, तो उर्वा ने शॉपिंग की है अपनी। मैं दिखाती हूँ उसने क्या लिया है। ये उर्वा ने जो है ना अपनी शॉपिंग की है और कार्ट में बैठ गई है क्योंकि ये चल नहीं सकती, थक जाती है। ये मैडम अपनी सैर कर रही हैं और हम लोग अभी शॉपिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो जाहिद। हम लोग वैसे यहाँ पे अभी ना वेजिटेबल और सिर्फ फ्रूट्स लेने के लिए आया करते हैं, तो देख रहे हैं अभी कि क्या क्या हमें लेना है। चले मैं आपको ना उसकी रेट्स बताती हूँ। यहाँ कोरिया में ये जो मार्ट्स है ना, यहाँ पे ये 100 ग्राम के हिसाब से कीमतें लिखी होती हैं। कभी भी ना सोचेगा कि 390 जो है ना, ये पूरे गाजर के थैले के हैं, ये 100 ग्राम के हिसाब से हैं। तो ये जो है ना, हम गाजर ले रहे हैं और गाजर है 1690 का एक थैला। देख के लेना पड़ता है कि ये जो फुंग लिखा हुआ है ना, फुंग का मतलब होता है एक थैला। अच्छा, यहाँ पे ना ये 3 किलो सेब पड़े हुए हैं और उनकी कीमत है 9900। सेब इतनी अच्छी क्वालिटी के लग नहीं रहे। हाँ, ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, 4 से 8 के दरमियान है और ये 8000 के हैं टोटल। एक सेब 140 रुपए का है। हम लोग कीवी भी शौक से खाते हैं और कीवी की कीमत जो है ना, वो 8990 की है। और इसमें कितनी है, 4 से लेकर 7 हैं। यहाँ पे चेक करो यार, फिलिपिनी मैंगो है, 4 आम 13990 के, तो इतने मज़े के भी नहीं होते। और यहाँ पे एक आम की कीमत भी जो है ना, 5900 है। वैसे तो मार्ट है, सस्ता होना चाहिए, लेकिन अच्छी खासी महंगाई होती है यहाँ पे। और ये जो एक मेलन पड़ा हुआ है, इसकी कीमत भी 8990 है। हमें अंदाज़ा है यहाँ की प्राइसेस का। और हम लोग छोटी मार्ट्स है ना, वहाँ भी जाते हैं, जैसे लोटे सुपर हो गया या लोकल सब्जियों की शॉप हो गई, तो हम ना फिर प्राइसेस देख के ही लेते हैं और क्वालिटी देख के फिर ले लेते हैं। अच्छा जी, ये 14990 का बॉक्स है। नॉर्मली जो है ना, ये 10 से 12 हज़ार भी मिल जाता है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम ही है। जाहिद को बहुत जल्दी थी, जल्दी जल्दी कह के चले गए। अच्छा गाइज, ये लंबे लंबे अंगूर हैं, ग्रीन वाले, और बहुत ही मज़े के होते हैं और इनकी कीमत है 8990। तो एक जो है ना, हम ये ले लेते हैं। इस तरफ मैं आई हूँ तो दूसरे जो पड़े हुए ना, ये 7990 के हैं और ये बराबर ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये ले लूँ। ये भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं और अच्छे लग रहे हैं। उर्वा को भूख लग रही है, इसे खिलाते हैं। जो हाई क्वालिटी के जो फल होते हैं, वो इस तरह डब्बों में पड़े हुए हैं, देखें इनकी कीमत 1 लाख भी है, 55,000, 75,000, 1 लाख कोरियन वॉन। ये जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना, ये फिर गिफ्ट में दिए जाते हैं। जी, उर्वा हमारे साथ साथ वॉक कर रही है, ये बहुत जल्दी थक जाती है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी होगी। ये चेक करो गाइस, ये क्या चीज़ है, गज्जक है। इसमें जो है ना, इन्होंने गुड़ डाला हुआ है और गज्जक बनाई हुई है, और ये फिर इस तरह गज्जक बेचते हैं। पाकिस्तान में नहीं गज्जक मिलती, वही चावलों वाली सेम चीज़ है। और ये जो है ना, मुरब्बा बना हुआ है, इतने मज़ेदार लगता है ये। अगर फ्रेश हो तो अच्छा लगता है, वरना हार्ड हो जाता है। कोरियंस जो है ना, खास तौर पे ये खाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इसमें बहुत सारे नट्स डले हुए हैं और राइस की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और लोग खास तौर पे ना, ये गिफ्ट पैक्स देते हैं। ये भी गिफ्ट पैक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें, शैम्पू बोतलें, और यहाँ पे जो है ना, ये मछली के गिफ्ट पैक्स हैं। कोरिया में इस तरह गिफ्ट बॉक्सेस देना ना, बहुत अच्छा समझा जाता है। 70 से 75 हज़ार से ऊपर का होता है एक बैग ना, यानी पाकिस्तानी कितने का हुआ, 10 से 12 हज़ार रुपये का एक बैग होता है, और उसमें होती क्या है, गज्जक। कोरियंस लोग भी जो है ना, इस तरह के बहुत सारे स्नैक्स खाते हैं। ये सारे स्नैक्स ही हैं और इनकी कीमतें 9900, 13000, 12000 इस तरह की हैं। इस तरफ सारी ये बेकरी का सामान है और जाहिर जो है ना, कुछ ब्रेड्स देख रहे हैं। होम प्लस में यहाँ पे ना, साइड पे ये राइस केक्स वगैरह भी बहुत मिलते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये लेके खा सकते हैं। अच्छा, जब भी होम प्लस आएंगे ना, तो इस तरह की ये खड़ी होती हैं, ऐलान कर रही होती हैं कि ये ले लो वो ले लो, जो हमें समझ में आता है हम वही लेते हैं। तो ये साइड पे जो है ना, बेकरी का सारा सामान है। यहाँ पे फ्रोजन चीज़ों का तो बहुत ही ज़्यादा फैशन है ना, तो 8990, 7900, और ये पिज़्ज़ा जो है ना, 6990 का, इनको घर में गर्म करके खा लें। तो ये जो फ्रोज़न क्या कहते हैं, डम्पलिंग्स हैं, फ्रोज़न चीज़ के सैंडविच हैं, हम लोग इसमें से कुछ खा नहीं सकते। हम लोगों को वही मसला होता है, इसमें अगर मीट डला हुआ होता है ना, तो फिर हम लोग ले नहीं सकते। अगर हलाल हो तो फिर हम ले सकते हैं। खास तौर पे हम लोग ई मार्ट एक दफ़ा गए थे, वहाँ से हम लोगों ने वो चिकन लिए थे, चिकन विंग्स, तो वो बहुत मज़े के थे, हलाल थे। ये सारे देखो फ्रिज कितने सारे हैं, मैं दूर से रख के दिखाती हूँ। ये फ्रिज हैं, ये सारे फ्रिज हैं, एक सेकेंड अब नज़र आएगा, ये सारे पिज़्ज़ा के फ्रिज हैं। और इनकी कीमतें वगैरह बहुत ही नॉर्मल है, इकोनॉमिकल ही होती हैं, बस बंदा ले के रख ले और ना बाद में फिर गर्म करके खाता रहे। वो उर्वा फिर रही है, उसके बाल खुर गए। उर्वा आपकी पोनी ये है मेरे पास।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना राइस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रोजन मिल जाती हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा यहाँ पे काम नहीं है। राइस में भी कुछ ना कुछ डला ही होता है, देख के दिल करता है, मुंह में पानी आता है। क्या लेना चाह रहे भाई? दारू मारू तो नहीं लेना चाहिए। मारू आटा माटा होता है, आटा माटा। हाँ मैं समझी, दारू मारू तो नहीं लेना भाई, तो क्या हो गया, दारू क्यों लेने का कह रहे हैं। यहाँ पे सारे चिकन नगेट्स और चिकन विंग्स वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन सीपी चिकन जो हलाल होता है ना वो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। ये बहुत सारी वैरायटी है यार, क्या करें, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा जुड़वा को अभी हमने वेजिटेबल चिप्स लेके दिए, इसको भूख लग रही थी तो अभी बैठे हुए खाती जा रही है। हम लोग सुबह निकले हुए थे इसी की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ से अभी वापसी जा रहे थे, तो हमने कहा चलो कुछ ना शॉपिंग करते हुए जाते हैं और फिर घर जाके खाना वाना खाएंगे, तो इसकी सही भूख लगी है इसको। हम लोग केचप ले रहे हैं और इसकी कीमत है 3,750, यानी पाकिस्तानी 500 रुपए का 800 ग्राम केचप। यहाँ पे हर किस्म की सॉस मिल जाती है, चिली सॉस, सोया सॉस, तो अभी हम लोग सॉस के सेक्शन में हैं। और ये लेमन ले ले जाए था उर्वा के लिए जो है ना, एक हम मैक्रोनी का पैक ले रहे हैं और इसकी कीमत है 2,681, 500 ग्राम का छोटा सा ये पैक है। अच्छा ये चिप्स का सेक्शन है और इतने सारे चिप्स हैं, लेकिन खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक चिप्स है हमारे लिए, 1,001 का मिला ये। ओके तो एक हम लोग ब्रेड ले रहे हैं, ब्रेड वैसे हर जगह से ही मिल जाती है, लेकिन हमने कहा चलो यहाँ से ले लें, थोड़ी सेल भी है यहाँ पे। ये उर्वा के ऊपर रख दे। अच्छा जब कोई चीज़ सेल में होती है ना तो वो येलो कलर के उस पर स्टिकर लगा होता है, दूर से ही पता चल जाता है कि ना इस चीज़ पे सेल है। तो नॉर्मली जो है ना ये कितना 1,500-1,200 तक का मिलता है, और अभी जो है ना ये 1,001 का है, तो थोड़ी बहुत ही सेल होती है। 1,990 का वैसे 2,200 का शायद होता है, तो 200-301 का फ़र्क होता है अक्सर ना, कुछ चीज़ों पर फ़र्क होता है, बाकी सेम होता है मार्ट जैसा ही। जैसे ये 1,000 का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है 1,180 का मिल रहा है, तो बंदे को बस कीमतें ज़बान ही पता हो तो फिर समझ आता है कि हाँ ये चीज़ सस्ती है और ये उल्टा महंगी है। तो अभी हम लोग स्नैक्स के सेक्शन में हैं, अक्सर हम लोग लेके रख लेते हैं कभी बाहर निकलना होता है ना जैसे, तो फिर उर्वा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम भी खा लेते हैं स्नैक्स। कार्ड जो है ना भरने लगी है, फिर बाकी सामान हम उर्वा के सर पे रखते जाएंगे। अच्छा ये जो है ना यहाँ पे येलो पीच टिन है ना, वो 1,001 का मिल रहा है, तो अच्छा खासा सस्ता है और ये बहुत ही डिलीशियस होता है, फ्रिज में पड़े रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते। अच्छा ये साथ साथ ना बहुत सारे पड़े होते हैं, तो देख के लेना पड़ता है कि किसकी कीमत जो है ना लिखी हुई है। जाहिद ने अभी ये कॉकटेल की प्राइस भी देखी है, जाहिद ने 4,000 का मंगवाया था और यहाँ पे 2,790 का मिल रहा है। ये कीमत लिखी हुई है ना वो 400 ग्राम की है और ये 800 ग्राम वाले यहाँ पड़े हुए हैं, तो अगर हम ये गलती से उठा लें तो हमें इसकी फुल प्राइस देनी पड़ेगी, सेल में था ना खत्म हो गया। इसके 3 ले लेते हैं, उर्वा शौक से खाती है ना, हम लोग आए हुए हैं तो हम लोग ये टॉर्टिलाज एक ले लेते हैं, ये अक्सर हमें यूज हो जाती है जब हमने कोई शवारमा बनाना होता है। 2,990 की इसका एक पैक है, तकरीबन 5 से 6 होते हैं। अच्छा गाइस ये कॉर्न फ्रोस्ट जो है ना यहाँ पे मिल जाते हैं आछी में खाने के लिए, नहीं सुबह में खाने के लिए, तो ये ग्रैनुलास और इसमें डिफरेंट वो भी डले हुए होते हैं नट्स वगैरह, तो अक्सर हम लोग वैसे ये ले लेते हैं। और आज जो है ना ये सेल पे भी है 5,790 का पूरा पैकेट, तो ये एक पैकेट ले लो ना चल जाता है अच्छा खासा। हम लोग अगेन स्नैक्स के सेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पे बिस्किट्स और केक्स वगैरह की बहुत चीज़ें हैं, अनहेल्दी चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पे। जाहिद क्या देख रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं। अच्छा जाहिद ने ना ये हलाल जली ढूंढी है और इस पे जो है ना सेल भी है, 1,100 की है, ये इस पे लिखा हुआ है हलाल। ये बैठी जो है ना भूख से अपने अंगूर खा रही है, और उर्वा को किस्मत से हलाल मिल गई है, तो फिर हम ना ज्यादा सारी ले रहे हैं। वो यूनिकॉर्न जेली, कलरफुल जेली, ऑक्टोपस जेली, ये सारी हलाल है। उर्वा के तो मजे आ गए हैं, आए हाय हाय, सारे फ्लेवर ले लो भाई, इसमें कोई भी हलाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे ये कॉर्नर पे जो पड़ी हुई है ना ये हलाल है। अब पता नहीं जाहिद को एकदम से कहाँ से नजर आई है, बहुत मुश्किल होता है वैसे हलाल चीज़ें ढूंढना यहाँ पे, हलाल खासतौर पे स्नैक्स ढूंढना। मैंने एक दफ़ा हलाल स्नैक्स का व्लॉग भी बनाया था। नॉर्मली हम लोग जो है ना ये वाली जेली ले लेते हैं, ये हलाल ही होती हैं, ये सारी की सारी हलाल होती हैं, इन पे ये पीछे टैग लगा हुआ है, लेकिन इनकी कीमत सेम ही है जो नॉर्मली किसी भी शॉप से मिलती हैं। तो हम उर्वा के लिए ना इसका स्टॉक रखते हैं, ये वाली जनरल लाजमी हम रखते हैं। अच्छा गाइस हम लोग अब डेयरी के सेक्शन में हैं, और यहाँ से बस हम लोग दूध वगैरह इतना नहीं लेते, हम लोग बस ना दही लेने आते हैं यहाँ से। उर्वा ना ये वाली योगर्ट बहुत शौक से पीती है, तो यहाँ पे होम प्लस में हमें 1+1 यानी कि पैक मिल रहा है, तो ये 12 और +12 का पैक है, तो इसकी कीमत है 3,980, तो ये हम लोग एक ले लेते हैं। अच्छा गाइज यहाँ पे हम ना ऑरेंज जूस के सेक्शन में है, ऑरेंज जूस के सेक्शन नहीं, जूस के सेक्शन में, और यहाँ पे ना 1,000-1,000 के जूस मिल रहे हैं, तो नॉर्मली जो है ना ये 1,500 तक मिल जाता है। और एक जो है ना ये मैंगो जूस ले लेते हैं,
ये भी उर्वा शौक से पीती है। ये 1+1 है। कीमत 1+1 इस तरह से होती है कि एक की कीमत जो होती है ना वो दो की कीमत ही लिखी होती है। मतलब अगर 3,500 के दो मिलने हैं ना तो 3,300 के दो होते हैं, लिखा हुआ होता है 1+1। तो बंदा सोचता है 1+1 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दो की कीमत बंदा पे कर ही रहा होता है। थोड़ा सा बस फर्क होता है, 201 का फर्क होता है। 20 रुपए पाकिस्तानी जूसेस यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन इधर वो हम पीते नहीं हैं। बस ये उर्वा ही पी लेती है तो हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही। ऑरेंज मैंगो जूस, हाँ ये एप्पल जूस भी है। ये जो है ना 1+1 सोच रहे हैं हम ये भी ले लें, क्योंकि हम लोग आए हुए कार पे तो सामान भर सकते हैं हम लोग जितना भी। उर्वा के ऊपर रखते हैं गोदी में। यहाँ पे जो है ना लामियन पड़े हुए हैं, नूडल्स सारे हलाल नहीं होते, इस वजह से हम लोग देख के ही लेंगे। अच्छा जी, हम लोग जो है ना कॉफीज के सेक्शन में है अब, और ये हमारा होपफुली लास्ट सेक्शन होगा। यहाँ पे 1,000-1,001 में कॉफीज मिल रही है, और अगर हम 10 लेंगे ना तो 10 पे एक एक्स्ट्रा फ्री भी है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्या सेल लगी हुई है। ये जो है ना नॉर्मली 2,000 की एक होती है, तो यहाँ पे 1,000 की एक है। मैंने ये दो कॉफियाँ ले ली हैं। लोग यहाँ से पानी भी लेने आते हैं, बाकी वॉशरूम का सामान, घर के सामान, गद्दे, बिस्तरे, तकिए, जो भी पहली दफ़ा आए ना कोरिया वो यहाँ से ना ले, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं ये। लेकिन यहाँ रहें, कमाएँ, फिर लें तो फिर सही है, लेकिन पाकिस्तान से पहली दफ़ा आएँ और जो थोड़े से पैसे बंदा लेके आता है अपने लिए वो सारे यहाँ खर्च कर जाएँ तो फिर कुछ भी ना बचे। आई डोंट रिकमेंड कि यहाँ से आप लोग तौलिए लें, तकिए लें, बिस्तरे लें, बहुत महंगे पड़ते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि 250 जाएँ, वहाँ से मोस्टली शॉपिंग कर लें, और जो शुरू शुरू के सामान की होती है ना ज़रूरत में, क्योंकि प्राइसेस का सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया ना तभी हम लोग यहाँ आते हैं कि जो चीज़ लाइक अच्छी सही मिल रही है तो हम वो ले लेते हैं। बाकी जो है ना अब ये बर्तनों वाला सेक्शन शुरू हो गया है, आगे जाएंगे तो कपड़े और घर वाली चीज़ें आएंगी, और आगे जो है ना फिर ब्यूटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरे फ्लोर्स भी हैं वहाँ पर, कपड़े और इस तरह की चीज़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये शुरू में जो है ना आके उर्वा ने पहले यहाँ से शॉपिंग की थी, तो उस वक्त मैं जो है ना वीडियो नहीं बना रही थी। उर्वा ने यहाँ से बहुत चीज़ें पसंद की अपने लिए, बैग्स और पिने। शॉपिंग कर रही है लड़की, लेट्स गो, मम्मा के हैंड पकड़ो, आज चलें। बस अब हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, मोस्टली हम लोग सही सब्जी, फल, फ्रूट और ग्रोसरी होता भी यही है लेना तो बस यही लेने ही आते हैं। तो हम लोगों ने कितने आइल्स देखे, ये सारे देख के आए हैं हम लोग। अच्छा खासा बड़ा है बंदे की चल चल के वैसे ही टांगों की जो है ना ख़त्म हो जाती है, और हम लोग सुबह के भी बहुत थके हुए हैं। अभी उर्वा एक्सट्रीमली बोर हो रही है, ये शक्ल इसकी देखें। तो बस अब हम लोग चलते हैं और चेकआउट करते हैं चल के। वीकेंड है तो देखें रश कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रश है और लाइनें लगी हुई हैं। उर्वा को बैठे बैठे यहाँ पे नींद आ रही है गाइस। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं, इनकी लाइन लग गई है यहाँ पे, उर्वा हेल्प कर रही है हमारी। इसको नींद आ रही थी तो मैंने इसको अपना मोबाइल दे दिया, इसकी नींद उड़ गई है। सारे सामान का चेकआउट करवा लें, फिर जो टोटल है ना मैं आपको बताऊंगी कि कितना लगा है हमारा। शॉपर वगैरह लेंगे, और शॉपर जो है ना उसकी भी कीमत होती है यहाँ पे शायद 500 won, लेकिन ये शॉपर पिंक कलर का होता है, इसमें कचरा वचरा डाल के फिर हम फेंक लेते हैं, इसलिए ये काम में आ जाता है। हम लोगों ने बस ये 2-3 थैले ले लिए, फिर जितने में सामान आ गया आ गया। ओके गाइस, तो ये हमारा लगा है टोटल 67,270 कोरियन वॉन, और ये सारा सामान हमारा पैक हो गया है। तकरीबन 3 थैले बने हैं बड़े, जाहिर ने कार्ड से पेमेंट किया और फिर रेंट पे साइन किया है। ओके चलो सामान उठा लेते हैं और चलते हैं अब हम बाहर, बहुत थकावट हो गई है। हम अपना सामान अपनी गाड़ी में डालेंगे और जाएंगे घर। आज का व्लॉग जो है ना मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपने बहुत सारा इंजॉय किया होगा हमारे साथ शॉपिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, subscribe।